नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोटस जी। आप हूँ स्टडी टेक्निकल अड्डे पर और आज मैं बताऊंगा सैमसंग के अपकमिंग 3 मॉडल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे सबसे पहले देखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के फर्स्ट मॉडल की। तो सैमसंग का J7 ड्यूअल लॉन्च होने वाला है दोस्तों। खास बात यह है, इसमें मिलता है आपको ड्यूअल रियर कैमरा 13+5 मेगापिक्सल का, अपर्चर वैल्यू है f1.9, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, इसमें भी अपर्चर वैल्यू है f1.9, 5.5 इंच की HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है इसमें ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स, रैम है 4GB की, इंटरनल मेमोरी है 32GB की, इसे आप एक्सपेंड कर सकते हो अप टू 256GB तक, चाहे करो माइक्रो SD कार्ड के थ्रू या करो पेन ड्राइव के थ्रू करो। बैटरी की बात की जाए, बैटरी मिलती है आपको 3000mAh की और प्रोसेसर है इसमें 1.6GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो बेस्ड है एक्जिनोस 7 सीरीज पे। ये हो सकता है 7890 या 7870। एडवांस फीचर की बात की जाए तो इसमें मिलता है आपको फेस अनलॉक, साथ ही मिलता है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का जो ड्यूअल रियर कैमरा है अभी तक आपको महंगे फ़ोनों में देखने को मिला है, चाहे वो नोट 8 या फिर हो S9 प्लस, लेकिन मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए सैमसंग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो मिड रेंज में भी ड्यूअल रियर कैमरा दे, क्योंकि आजकल पोर्ट्रेट मोड का ज़माना है। MI का A1 हो चाहे MI का नोट 5 प्रो हो, जिसने मार्केट में बाजी मार ली है, तो इसलिए मिड रेंज में ड्यूअल रियर कैमरा बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों बात करें सैमसंग के दूसरे मॉडल की, तो दूसरा मॉडल लॉन्च होने वाला है वो है सैमसंग का J7 Prime 2। जी हाँ दोस्तों, J7 Prime 2 ये पुराने J7 Prime का सक्सेसर है। फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, पुराने वाले J7 Prime में मिलता था आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बस सेल्फी में चेंज किया गया है। बाकी बैटरी वही 3300mAh की है, 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर एक्सिनोस 7870 पे बेस्ड, बाकी तो कुछ खास लगा नहीं है। थोड़ी अपग्रेडेशन मिल जाती है इसमें आपको, जैसे सैमसंग मॉल का सपोर्ट मिल जाता है, बाकी वही है, मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं। पुराना J7 Prime है, उसको दीपा पोती करके बस मार्केट में दोबारा उतारा जा रहा है। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इतने कॉम्पिटिशन को देखते हुए ये भी हो पता है या फिर सैमसंग को करना पड़ेगा फिर से एक नया मॉडल लॉन्च। तो दोस्तों J7 Prime 2 में कुछ ऐसा ही है। दोस्तों नेक्स्ट मॉडल लॉन्च होने वाला है वो है J2 2018। जी हाँ दोस्तों, J2 2018 जो पुराना मॉडल था, J2 2015, उसके बाद आया J2 2017, जिसमें थोड़ी सी लीपापोती कर दी थी, कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले नहीं थे, लेकिन आपको J2 2018 में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे बात की जाए तो इसके डिज़ाइन की, जो इसका डिज़ाइन मिलेगा आपको J7 Pro की तरह मिलेगा, सेम टू सेम, वहीं वर्टिकली कैमरा और फ्लैश लगा होगा, तो डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है। कैमरा थोड़ा हो जाएगा एडवांस, आपको हो जाएगा 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विद LED फ्लैश। प्रोसेसर दे रहा है सैमसंग इसमें स्नैपड्रैगन 450 का, जो एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। रैम हो जाएगी 2GB, रोम हो जाएगी 16GB, एक्सपेंडेबल अप टू 256GB, बैटरी हो जाएगी 2600mAh की। कुछ कुछ देखने में ये है J2 Pro की तरह, मेरे ख्याल से अब शायद J2 Pro बंद होने वाला है, उसकी जगह ले लेगा J2 2018। देखना होगा J2 2017 का क्या होता है। तो दोस्तों ये है कुछ सैमसंग के मॉडल जो होने वाले हैं शायद नेक्स्ट मंथ लॉन्च। और एक और अपडेट आया है, जो सैमसंग का जो 8 प्लस है, जो ऑनलाइन मॉडल चल रहा था, वो आ गया ऑफलाइन। 6GB रैम, 64GB इंटरनल, फुल व्यू डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी उसमें आपको, फेस अनलॉक का फीचर मिल जाएगा, बैक साइड में फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, फ्रंट में मिल जाएंगे आपको ड्यूअल कैमरा, जो एक होगा 16 मेगापिक्सल का, दूसरा होगा 8 मेगापिक्सल का। बेसिकली लाइव फोकस और पोर्ट्रेट मोड के लिए वो आएगा काम में। फ्रंट में मिल जाता है फ्लैश, बैक साइड में तो फ्लैश सब कंपनियां देती हैं। तो दोस्तों देखते हैं इतने कॉम्पिटिशन को देखते हुए सैमसंग मार्केट में क्या करता है। वैसे भी शाओमी का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंपनियाँ भागते जा रही है मार्केट से, क्योंकि शाओमी के रेडमी 5 और रेडमी 5 प्रो ने बहुत ज़्यादा आग लगा दी है। तो दोस्तों देखते हैं क्या ले पाता है सैमसंग मार्केट में टक्कर, और या फिर ये भी हो जाता है फ्रुस। फिलहाल के लिए वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर आपको कोई कमेंट सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दें, मैं जल्दी करूँगा उस पर काम। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।